नमस्कार, सिटी स्पोर्ट्स लाइव में आपका स्वागत है। आज बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। जी हाँ, इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर प्रमोशन हुआ है। खासकर आईएएस अधिकारियों का 13 आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। साथ ही साथ 3 आईपीएस जो है सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। और आपको बता दें जो इन अधिकारियों के नाम, तो इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, और साथ ही साथ नगर विकास विभाग के सचिव हैं आनंद किशोर, उन्हें प्रधान सचिव के रूप में प्रोन्नति मिली है। तो ये बड़ी खबर है। आईएएस अधिकारियों का जो प्रमोशन हुआ है उसमें आनंद किशोर का नाम सबसे ऊपर है और उन्हें प्रधान सचिव स्तर में प्रमोशन मिला है, ये बड़ी खबर है। उसके अलावा पटना के डीएम को भी प्रमोशन मिला है। पटना के डीएम को सचिव लेवल में प्रोन्नति दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस बार बता रहे हैं आपको कि बिहार में 13 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है और 3 आईपीएस अधिकारियों को भी आईजी लेवल में प्रमोट किया गया है। तो आईजी लेवल में सबसे बड़ा नाम विकास वैभव का है। विकास वैभव भी आईजी लेवल में प्रमोट किए गए हैं, आईजी बनाए गए हैं। तो हम आईएएस अधिकारियों का नाम बता दें जिन्हें प्रमोशन दिया गया है, इसमें लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा आपको बता दें कि 20 नौ प्रोन्नत आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। तो जिन अधिकारियों को प्रमोशन मिला है उसमें बता दें पटना के डीएम कुमार रवि के साथ साथ मनीष कुमार हैं, विशेष सचिव हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के। उसके अलावा पटना के डीएम है कुमार रवि, दिवेश सेहरा हैं प्रबंध निदेशक हैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम के हैं, और बाला मुरुगन डी हैं जो परियोजना निदेशक हैं जीविका के। राधेश्याम शाह हैं विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो इन आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। उसके अलावा और 6 आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें प्रमोशन मिला है, उसमें जो हैं उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी, उसके अलावा भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार, शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह, भवन निर्माण विभाग के अपर सचिव सतीश कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव संजय दुबे, और युवा कल्याण निदेशालय के निदेशक हैं डॉक्टर संजय सिन्हा, इन्हें प्रमोशन दिया गया है। ये सभी जो 6 नाम हमने बताए ये 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो इन आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि 20 आईएएस अधिकारियों को का ट्रांसफर भी किया गया है। उन्हें नई जो 9 प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें नई जगहों पर पदस्थापित किया गया है। इस वक्त के मतलब बिहार की सियासत में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मोहर लगी है और इस बीच बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया गया है और तबादला हुआ है आईएएस आईपीएस अधिकारियों का। तो हम बता रहे हैं कि 3 आईपीएस अधिकारी जो आईजी बनाए गए हैं उनके क्या नाम हैं। 3 आईपीएस अधिकारी जो हैं उनमें विकास वैभव को आईजी बनाया गया है। उसके अलावा विजय कुमार वर्मा और सुरेश कुमार चौधरी को प्रमोशन देते हुए आईजी बनाया गया है। ये सभी 2003 बैच के अधिकारी हैं। तो बिहार में आज आईएएस आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, साथ ही साथ 20 आईएएस अधिकारियों को नया जिम्मा भी सौंपा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिहार की सरकार में ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।